हे दी पोकेमोन ट्रेनर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पोकेमोन गेमर हिंदी, जहाँ पे हम लोग पोकेमोन के इंटरेस्टिंग गेम्स खेलते हैं। सो गाइस, पोकेमोन द लास्ट फाइट के पिछले एपिसोड के अंदर हम लोग ने हरा दिया था वर्मेलिया सिटी के जिम लीडर को और अपना थर्ड जिम बैच हम लोग ने जीत लिया था। मैं आपको दिखा देता हूँ भाई, बैच भी दिखा देता हूँ आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये देखो, नीचे देख लो, यहाँ पे मेरे पास टोटल अभी 3 जिम बैजेस हो चुके हैं। मैंने सेरुलियन सिटी के, प्यूटर सिटी के और वर्मेलिया सिटी के जिम लीडर्स को हरा दिया है। सो गाइस, हमने वर्मेलिया सिटी के जिम लीडर को हरा दिया। अब हमारे पास ज़्यादा कुछ वर्मेलिया सिटी के अंदर करने को बचा नहीं है, बट हाँ, जो भी बचा है ना, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सबसे पहले गाइस, मुझे चलना है डिग्लेट केव के अंदर, उसके लिए मैं कुछ रिपील्स खरीद लेता हूँ। डिग्लेट केव के अंदर बहुत सारे भाई डिग्लेट ही आएंगे, और कोई पोकेमोन मेरे को नहीं लगता वहाँ पे आएगा। केव का नाम ही भाई डिग्लेट केव है, तो समझ ही लो भाई, जिस केव का नाम ही एक पोकेमोन से शुरू हो, तो उस केव के अंदर वही पोकेमोन हमें मिलेगा। एक काम कर, तो यहाँ पे मैं मैक्सिमम 15 रिपील खरीद लेता हूँ। 24 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 15 खरीद लेते, इतने में काम हो जाएगा अपना। 15 इट भी ओके भाई, बहुत हो गया इतना। वैसे हमें सिर्फ केव के अंदर जाना है और बाहर आना है। और एक और चीज़ मेरे को देखना पड़ेगा, कट अटैक है कि नहीं मेरे बैग में नहीं, मैंने अपने पोकेमोन को सिखाया था। हाँ, मेरे को याद है, पोकेमोन को सिखाया था। तो यहाँ पे ये देखो, ये है डिग्लेट केव, डिग्लेट्स केव, तो इसके अंदर हमें चलना है गाइस। और देखो गाइस, डिग्लेट केव ये रहा, और फाइनली हम अंदर आ चुके हैं। यहाँ पे एक ओल्ड मैन क्या कर रहे हैं? वेल, इजंट दिस इज़ अ सरप्राइज, डिग्लेट डग दिस लॉन्ग टनल, इट गोज राइट टू वरिडियन सिटी, दे टेल मी। तो ये जो केव है, ये डायरेक्ट वरिडियन सिटी जाएगा अगर हम इसके अंदर से जाएंगे तो। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, मेरे को एक रिपील यूज़ करने दो, वरना फिर भाई क्या हो जाएगा क्या मालूम, मतलब हर जगह पे कदम कदम पे डिग्लेट आ जाएंगे। रिपील हो गया यूज़, और अब चलते हैं। हाँ गाइस, आज मतलब ये केव के बाहर हमें मिलने वाला है एचएम, कुछ तो एक एचएम मिलेगा जो है फ्लैश, और फ्लैश में आगे बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। और हाँ गाइस, आज के एपिसोड में हम लोग बहुत ज़्यादा कुछ करने वाले हैं, जैसे कि अभी मैं आपको बता दूंगा तो पूरा मूड ऑफ हो जाएगा। पहले से कोई चीज़ पता चल जाएगा तो फिर भाई पूरा मज़ा किरकिरा हो जाएगा। इसके लिए मैं आपको कुछ बताऊंगा नहीं पहले से, बट हाँ गाइस, इतना याद रखना है, आज हम लोग एक साइनी पोकेमोन को पकड़ने वाले, जो कि बहुत ज़्यादा ऑसम है और यहाँ पर बहुत सारे लोग का फेवरेट है। पर्सनली मेरा भी एक फेवरेट पोकेमोन है। सो गाइस, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है आज की इस वीडियो में। आई वेंट इन साइड रॉक टनल, बट इट्स पिच ब्लैक एंड स्कैरी इन देयर। इफ़ आई कुड गेट ए पोकेमोन टू यूज़ फ्लैश एंड लाइट अप इट अप लाइट इट अप। वैसे मैं आ गया हूँ केव के बाहर, और रूट 2 पे आ गया मैं डायरेक्ट, और अगर मैं इसको कट करूँगा तो मैं यहाँ से पहुँच जाऊँगा वेरिडियन सिटी के अंदर। भाई उस मतलब उस ओल्ड मैन ने सही बोला था, हम डायरेक्टली वेरिडियन सिटी के अंदर जा सकते हैं। ऑल्दो मोस्ट पीपल होल्ड से इलेक्ट्रिक टाइप्स आर अगली, भाई ये बंदा अभी तक यहाँ से हटा नहीं। ओके भाई, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, इससे मैं चलता हूँ अपने रास्ते, और हमें जो करना है भाई वो करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। इस कमरे के अंदर मतलब इस घर के अंदर अफेंडेड पोकेमोन जस्ट हैव नो एनर्जी लेफ्ट टू बैटल, इट कैन स्टिल यूज मोस्ट लाइक कट आउटसाइड ऑफ बैटल। हाँ ये तो मेरे को पता है भाई। आई एम लुकिंग फॉर द पोकेमोन आबरा, वन फॉर माई मिस्टर माइम। वैसे मेरे पास आबरा पोकेमोन नहीं, वरना मैं उसको ट्रेड कर देता मिस्टर माइम के बदले। बट हाँ गाइस, अगर आपके पास आबरा पोकेमोन होगा तो आप उसको ट्रेड करके एक मिस्टर माइम ले सकते हो, अगर आपको पसंद हो तो। वैसे मेरे को तो मिस्टर माइम सही लगता है, आबरा से तो सही लगता है, बट हाँ जब आबरा इवॉल्व होता है ना, तो भाई वो नेक्स्ट लेवल पे चले जाता है, तो बट फिर भी मैं मिस्टर माइम को चूज़ करना पसंद करूँगा। वंस ए पोकेमोन लेंस फ्लैश, यू कैन गेट थ्रू रॉक टनल। हाँ गाइस, अगर हमें फ्लैश मिल गया तो हम रॉक टनल को आसानी से पार कर सकते हैं। मतलब रॉक टनल में बहुत ज़्यादा अंधेरा रहेगा, और वहाँ पे मतलब हम बिना फ्लैश के गए ना, तो फिर भाई भूल जाओ, रॉक टनल को क्रॉस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ऑप्टेन 70 फ्लैश, एक मिनट, वन सेकेंड गाइस, मेरे को देखने दो। TM70 शायद से होता, मेरे को लगा तो HM होगा, बट वो TM निकला। किधर गया भाई मेरा TM केस, ये रहा। क्या भाई, उस 70 था ना, ये रहा भाई। अरे भाई, मेरे को लगा था ये HM होगा, बट ये तो भाई TM निकला। TM70 फ्लैश मिल चुका है हमें। चलो भाई, मेरे को लगा था ये HM होने वाला है। आई रिमेंबर मी, आई एम वन ऑफ प्रोफेसर ओक्स एड्स, इफ़ यू पॉकेट सेक्स कम्प्लीटेड डेटा ऑन 10 स्पीसीज, आई एम सपोज टू गिव यू अ रिवॉर्ड। प्रोफेसर ओक इंटरेस्टेड मी विथ HM05 फॉर यू, सो PG लेट मी आस्क यू, हैव यू गैदर डेटा ऑन एटलीस्ट 10 काइंड्स ऑफ पोकेमोन। हाँ, इतना तो मैंने किया ही होगा, लेट सी। ओहो, यू हैव कॉट ओनली 5 काइंड्स ऑफ पोकेमोन, यू नीड 10 काइंड्स इफ यू वॉन्ट द TM55। अगर हमें TM55 चाहिए तो हमें 10 पोकेमोन को पकड़ना पड़ेगा। क्या भाई, मैंने अब तो 10 पोकेमोन नहीं पकड़े भाई, मेरे पोकेडिक्स मेरी टीम में ही 6 पोकेमोन यार। ये क्या गलत बात है यार, ये तो फिर तो गलत ही बात है। मेरा किधर गया भाई, मेरा वो क्या बोलती, अब पोकेडिक्स किधर है भाई मेरा, इसके अंदर कितने दिखा रहे।
मैंने कांटो के अंदर 50 सेम पोकेमोन, मतलब कांटो के अंदर 50 देखे मैंने और पकड़ा सिर्फ 5 ही है। ओ भाई भाई जाने दो, हमें फ्लैश चाहिए था, फ्लैश तो हमें मिल गया। एक मिनट, उसके आगे भी कुछ रास्ता था, मैंने देखा नहीं उधर। ये देखो ये आइटम मिला मेरे को, एथर मिला एक, और यहाँ पे एक ये पैरालाइज हील, और अब कुछ नहीं, अब कुछ नहीं भाई, अब चलो वापस चलते हैं, और कुछ भी नहीं बचा यहाँ पे, फटाफट चलेंगे वापस। वो डिग्लेट किए हुए वापस हमें क्रॉस करना पड़ेगा यार। चलो कोई नहीं भाई, कर देंगे। पहले तो रिफिल बनता है भाई, रिफिल यूज़ करेंगे तो ही आगे बात बनने वाली है, वरना फिर भाई जहाँ हमें 2 मिनट लगेंगे, अगर मैं रिफिल यूज़ करूँगा तो 2 मिनट लगेगा, वरना भाई रिफिल यूज़ नहीं करूँगा तो 15 मिनट लग जाएंगे। 15 मिनट भी कुछ ज़्यादा हो गया, बट हाँ ज़्यादा मिनट लगेगा। ओके रिफिल ख़त्म, तो एक और यूज़ कर लेंगे। अच्छे खासे रिफिल मैंने ख़रीद के आए, मतलब पहले ही मैंने ख़रीद लिया था भाई। सो हम लोग आ चुके हैं केव के बाहर, लगभग आ गए फाइनली, अब बाहर आ गए। और एक और चीज़ जो मेरे को करना है, यहाँ पे देखो रूट 11 पे मैंने सारे ट्रेनर लोग को पहले ही हरा दिया था, क्योंकि मेरे को जिम बैटल करना था, बट मैंने यहाँ पे जो आइटम्स पड़े हुए थे किसी को भी उठाया नहीं था। मैं सोचा था भाई इन वीडियो उठाऊंगा आप लोग के सामने, तो रिफिल का इफेक्ट ख़त्म हो गया। मैंने सारे ट्रेनर लोग को तो हरा दिया था, बट आइटम्स उठाए नहीं थे मैंने, तो ये ओ भाई वाइल्ड पोकेमोन का क्या करें हम। आर्याडो से काफ़ी अच्छे पोकेमोन है बग टाइप में, बट मेरे को नहीं चाहिए। एक्स डिफेंड और कोई आइटम पड़ा होगा, यहाँ देखना पड़ेगा। यहाँ पे भी एक रिफिल यूज़ कर ले, तो भाई मैंने खरीदे तो बहुत सारे, तो यूज़ करना बनता है। ओके माय ब्रो, मैंने कर लिया एक रिफिल यूज़, और हर आइटम देखेंगे ऊपर नीचे सब जगह जाके, कोई आइटम छोड़ेंगे नहीं हम। फ्री में कोई माल मिल रहा है तो उसको उठाने में कोई बुराई नहीं है, गेम के अंदर, इस पत्थर के अंदर कुछ नहीं है। ओके ब्रो देखते हैं, यहाँ पे भी एक आइटम है, एक ग्रेट बॉल मिला, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया ग्रेट बॉल मिला। और इस ये क्या बोलते हैं इसको भाई, इसका नाम क्या है, वैसे इसका कोई नाम ही नहीं है, एक कमरा भी नहीं है भाई। डोंट यू थिंक इट्स हार्ड टू थिंक अब गुड नेम्स फॉर पोकेमोन, स्पेशली इफ़ यू हैव कॉट अ होल बंच इन लेवेंडर टाउन। देयर्स अ मैन हु रीड्स पोकेमोन निक नेम्स, ही कैन इवन हेल्प यू रीनेम यू पोकेमोन टू। हाँ भाई, अगर हम ज़्यादा पोकेमोन पकड़ते तो उनको एक निक नेम देना भाई बहुत मुश्किल हो जाता है। इफ़ यू आर एमिंग टू रीच लेवेंडर टाउन, टेक रॉक टनल, यू कैन गेट टू रॉक टनल फ्रॉम सेरुलियन सिटी। तो अगर हमें लेवेंडर टाउन में जाना है तो हमें वहाँ, मतलब सेरुलियन सिटी से रास्ता मिल जाएगा। ओके यार, मेरे को पता है वैसे रास्ता कहाँ से, तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है हमें। आई एम लुकिंग फॉर द पोकेमोन नीडोरिनो, वन आई ट्रेड वन फॉर माई नीडोरिना। नहीं भाई, मेरे पास नीडोरिना है भी नहीं, तो मैं ट्रेड कहाँ से करूँगा, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता यहाँ पे, कोई ऑप्शन ही नहीं है भाई मेरे पास। हाई रिमेंबर मी, आई एम वन ऑफ प्रोफेसर ओक्स एड्स, इफ़ यू पोकेडेक्स हैज कम्प्लीटेड डेटा ऑन 30 स्पीसीज, आई एम सपोज टू गिव यू अ रिवार्ड। प्रोफेसर ओक इंटरेस्टेड मी विद द आइटम फाइंडर फॉर यू, सो प्लीज़ लेट मी आस्क यू, हैव यू गेटेड डेटा ऑन एटलीस्ट 30 काइंड्स ऑफ पोकेमोन? येस। ओहो, यू हैव कॉट ओनली 5 काइंड्स ऑफ पोकेमोन। मैंने झूठ बोला, वैसे जाने दूँ, मेरे को लगा अगर ये फिर भी दे देगा तो अच्छा रहेगा, बट इसने नहीं दिया भाई, इसने मेरा पोकेडेक्स चेक किया। और रूट 11 पे हम लोग अभी हैं, और रूट 12 पे आ गए, और रूट 12 पे देखो एक स्नोरलैक्स सोया हुआ है, और इसको हम उठा नहीं पाएंगे। और जहाँ तक मुझे याद है, स्नोरलैक्स को उठाने के लिए हमें एक पॉकेट फ्लूट की ज़रूरत पड़ेगी, और वो पॉकेट फ्लूट हमें मिल जाएगा आगे की जर्नी में मिल जाएगा हमें, तो कोई दिक्कत नहीं, आगे ले लेंगे पॉकेट फ्लूट। एक मिनट, ग्रासेस को अवॉइड करता हूँ। अरे भाई गलती, ग्रैंड बुल भाई, इसके दांत मेरे को बहुत पसंद है, मतलब इसका जो ऊपर का लुक है ना, स्पेशली जो फेस वाला लुक है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। वंस अगेन गाइस, यहाँ पे हम आ चुके वापस से विरिडियन सिटी के अंदर, और कर लेते हैं विरिडियन सिटी को एक्सप्लोर, कर लेते हैं सारे घर के अंदर चल के, देखते कुछ इंटरेस्टिंग आइटम मिलेगा क्या। आई वॉन्ट टू एक्सचेंज मेल विथ ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीपल, आई सेंड माई पीजी टू अ यूनियन रूम टू एक्सचेंज मेल फॉर मी। ओके कोई दिक्कत नहीं इसमें, तो आई एम गेटिंग माई पीजी टू फ्लाई अ लेटर ऑन टू सैफ्रॉन इन द नॉर्थ। ओके भाई, हाँ पीजी एक लेटर लेके जा सकता है अगर उसको अच्छे से ट्रेनिंग मिली होगी तो, वरना तो भाई कोई सवाल ही नहीं है। अब वैसे अगर आप एक डॉग पालते हो और आपने अपने डॉग को अच्छी ट्रेनिंग दी, फिर तो भाई डॉग किस लेवल तक कितना अच्छा है भाई, वो तो मेरे को पता है, आप लोगों को भी पता ही होगा, मेरे को मालूम है आप लोगों को भी पता ही होगा। आई जस्ट अडोर माई सील, इट्स सो लवेबल, इट स्क्विल्स क्यू व्हेन आई हग इट। ओ भाई, झप्पी, जादू वाली झप्पी देती है इसको, हग मतलब झप्पी, गले मिलना। और यहाँ पे ये सूट बूट में कौन है? आई चेयर द पोकेमोन फैन क्लब, आई रेस मोर देन 100 पोकेमोन, आई एम वेरी फ्यूसी व्हेन इट कम्स टू पोकेमोन, आई स्योरली एम, सो डिड यू केम विजिट टू हियर अबाउट माई पोकेमोन? गुड, देन लिसन अप, माई फेवरेट रैपिडेस, इट्स क्यूट, लवली, स्मार्ट, प्लस अमेजिंग, यू थिंक सो? ओ येस, इट्स टनिंग, काइंडली लव इट, हग इट,
when sleeping, warm and cuddly, spectacular, ravishing. Oops, look at the time. I kept you too long. Thanks for hearing me out. I want you to have this. PGG received a bike voucher from the chairman. अरे भाई ये क्या बोलते पोकेमोन फैन क्लब के चेयरमैन है और इन्होंने मेरे को बाइक का वाउचर दिया है. टेक दैट बाइक वाउचर टू द बाइक शॉप इन सेरुलियन सिटी. एक्सचेंज इट फॉर अ बाइसाइकिल फ्री ऑफ चार्ज. डोंट वरी माय फेवरेट फियरो विल फ्लाई मी एनीवेयर आई नीड टू गो. सो आई हैव नो नीड फॉर अ बाइसाइकिल. आई होप यू लाइक साइकिलिंग. तो भाई इन्होंने एक बाइक का वाउचर दिया है मेरे को फ्री में और ये बोल रहे कि भाई इनके पास एक फ्यूरो है जो फ्लाई कर सकता है. तो इनको बाइसाइकिल की कोई ज़रूरत ही नहीं क्योंकि यहाँ इनको कहीं पे भी जाना होता है तो ये फ्लाई करके चले जाते. तो इनके पास वो फालतू में चीज़ पड़ा हुआ था तो इन्होंने फ्री में मेरे को दे दिया. ओ ब्रो मिल गया फ्री में एक आइटम. अब हम बाइसाइकिल ले लेंगे. उसके लिए हमें सेरुलियन सिटी में जाना पड़ेगा और सेरुलियन सिटी से हमारा आगे का जर्नी जो है आगे बढ़ने वाला है. सो काफ़ी अच्छी बात है भाई हमें मिल गया एक बाइक वाउचर. आवर चेयरमैन इज़ वेरी वोकल अबाउट पोकेमोन. और इसको क्यों छोड़ेंगे भाई इससे भी बात कर लेते हैं हम. माई पिका जो इस टॉयस एज क्यूट एज दैट वन. फालतू में मैंने इससे बात किया कुछ बताया नहीं इसने मेरे को. अच्छा सिर्फ अपने पोकेमोन की तारीफ कर रहा था. मैं इस घर के अंदर नहीं गया था आई थिंक सो. हाँ नहीं गया था भाई. हाई डू यू हैव ए स्पियरो. वॉन्ट टू ट्रेड इट फॉर माई फारफिच. गाइस अगर आपको फारफिच पोकेमोन चाहिएगा तो आके एक स्पियरो को पकड़ लेना फिर आके इस लड़की से उसको ना ट्रेड कर लेना. अगर आपको करना होगा तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है बट हाँ अगर आपको करना होगा तो कर लेना. वी आर केयरफुल अबाउट पॉल्यूशन हियर. वी हैव हार्ड ग्राइमर मल्टीप्लाइज इन टॉक्सिक स्लज. हाँ ग्राइमर टॉक्सिक जहरीले होते हैं भाई पॉइजन टाइप होते हैं वो. सो द एसिजन हैज डिपार्टेड. साल बी बैक इन वर्मिलियन अबाउट दिस टाइम नेक्स्ट ईयर. हाँ तो वर्मिलियन सिटी के अंदर जो एसिजन है वो साल में एक बार आता है तो इस साल वो आगे चले गया अगले साल आएगा. I am the fishing guru. I simply love fishing. I can't bear to go without. Tell me, do you like fish? क्या मेरे को फिशिंग पसंद है. वैसे फिशिंग करने में मज़ा बहुत आता है बट हाँ मछलियाँ बहुत देर मतलब बहुत टाइम लगता है एक मछली को पकड़ने में. ग्रैंड आई लाइक योर स्टाइल. आई थिंक वी कैन बी फ्रेंड्स. टेक दिस एंड फिश यंग फ्रेंड. तो इस बंदे ने मेरे को ओल्ड रॉड दिया है. अच्छी बात है. फिशिंग इज़ अ वे ऑफ लाइफ. इट इज़ लाइक द फाइनेस्ट पोएट्री फ्रॉम द सीज टू रिवर्स. गो आउट एंड लैंड द बिग वन माई फ्रेंड. सो इस बंदे ने हमें दिया है एक ओल्ड रॉड जिससे हम मछली पकड़ सकते हैं और उस मछली को हम पका के खा नहीं पाएंगे. ये गलत बात है भाई. इतनी मेहनत से मछली पकड़ो उसको पका के खा भी नहीं पाएंगे. लो ये रहा ओल्ड रॉड. वैसे गाइस कमेंट करो कौन कौन नॉन वेजिटेरियन है और कौन कौन वेजिटेरियन है. वेल मेरी बात करो तो मैं भाई नॉन वेजिटेरियन हूँ तो समझा करो नॉन वेजिटेरियन हूँ और क्या बोलूँ. ओके माय ब्रो कोई मछली नहीं मिल रही मेरे को. जगह चेंज करते हैं. चेंज करेंगे जगह अपनी. ओल्ड रॉड से पकड़ेंगे नया मछली पोकेमोन. मछली पोकेमोन से मेरा मतलब है फिश पोकेमोन. एक आया भाई हुक के अंदर एक आया मेरे. कौन है फी बैस. अब फी बैस इवॉल्व होकर बनेगा माइलोटिक और मैजिक आप तो मेरे पास पहले से ही है. लेट मी ट्राई. अगर ये फेंड नहीं होगा तो इसको पकड़ लेंगे हम. मैंने गलत अटैक कर दिया. स्पिरिट लॉक से फेंड ना होना भाई. तो ए भाई एक ही अटैक में गया ये. मैंने गलती कर दिया. इसके ऊपर डायरेक्ट पोकेबॉल फेंकता ना तो बात बन जाती शायद से. नॉट श्योर बट आई थिंक सो ऐसा हो जाता. लेट मी ट्राई एक पोकेबॉल फेंक के देखता हूँ. डायरेक्ट इसको थकाएंगे नहीं पहले पोकेबॉल फेंक के देखेंगे. बहुत मुश्किल है. ओ भाई बहुत मुश्किल नहीं है लगभग आ ही गया था. ग्रेट बॉल फेंकूँगा तो आ जाएगा. अरे भाई पोकेबॉल में ही आ गया. ये लो भाई निकनेम क्या दूँ इसको भी. मैं क्या निकनेम दूँ भाई ऐसे फीवेस जैसे पोकेमोन के लिए मेरे दिमाग में कोई निकनेम है ही नहीं. और ये क्या भाई ये घर के अंदर हम नहीं जा सकते. घर लॉक है. मेरे को लगता है कोई ग्लिच होगा गेम का. छोटो ध्यान नहीं देंगे इसके ऊपर. जाने दो. ओ हेलो पीजेज हाउ आर यू डूइंग. वैसे मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ. मेरे पास 3 बैजेस हो गए. बहुत अच्छा भाई. इट्स मी वन ऑफ प्रोफेसर ओक साइड्स. भाई कितने एड जो भी बोले इसको कितने सारे भाई प्रोफेसर ओक के. डिड यू मीट द अदर एड. ही हैड ए पैकेज फ्रॉम प्रोफेसर ओक फॉर यू पीजेज. ही सेड ही डिड लुक फॉर यू अराउंड रूट 2 पीजेज. इफ़ यू आर इन द रूट 2 एरिया प्लीज़ लुक फॉर हिम. रूट 2 के अंदर एक और एड. हाँ शायद से वो वही वाला है. वो क्या बोलती है वो TM जिधर से हमें फ्लैश मिला वही वाला होगा शायद. आई एम पुटिंग अप अ बिल्डिंग ऑन दिस प्लॉट ऑफ लैंड. आई ओन इट ऑल. माई पोकेमोन इज स्टेमिंग द लैंड टू ले द फाउंडेशन. तो ये जो लैंड को बराबर कर रही है वरना फिर क्या बोलती है गड्ढा उड्ढा कर रही है. मतलब जिसको लैंड को एकदम बराबर करेंगे फिर यहाँ पर बिल्डिंग बनाएंगे. और ऑप्टेन 10 फ्रेंच बॉल. सो गाइस फाइनली टाइम आ चुका है एक साइनी पोकेमोन को पकड़ने का. और अब चलते हैं इस ब्लैक अल्ट्रा वार्म होल के अंदर. हाँ अल्ट्रा वार्म होल इसका नाम मैं भूल गया था.
वुड यू लाइक टू लीप इन टू द वार्म होल। चलो भाई इसके अंदर चलते हैं और एकदम अलग ही दुनिया में आ चुके हैं हम। अभी यहाँ पे मेरे को एक अच्छा पोकेमोन मिलेगा जिसके बारे में काफ़ी लोग जानते होंगे, बट जो नहीं जानते मैं आपको दिखा ही देता हूँ। ये एक साइनी रियोलू जिसको आज हम पकड़ेंगे, बट उससे पहले एक ऐसा पोकेमोन रखते हैं जो कि मेरी टीम में ना सबसे ज़्यादा कमज़ोर हो और उसके अटैक ना उसको मतलब फेंट ना करे। सबसे ज़्यादा कमज़ोर तो यहाँ पे सब बराबर ही हैं। ये भाई दिक्कत हो गई थोड़ी सी, बट हाँ फिर भी मेरे को 10 फ्रेंड्स वॉल मिले हैं तो उसका यूज़ करूँगा मैं। और एक काम करता हूँ डायरेक्टली यूज़ करके देखता हूँ, क्या मालूम भाई ये भी मतलब वो कौन सा पोकेमोन मैंने अभी पकड़ा भाई, बाहर कौन सा पोकेमोन पकड़ा था, हाँ याद है फीबैस के जैसा। ये भी अगर एक ही पोकेबॉल के अंदर या फिर दो पोकेबॉल के अंदर आ गया तो फिर अच्छे है। फ्रेंड बॉल मेरे को मिला, मतलब कुछ ना कुछ ये सोच समझ के मेरे को दिए होंगे भाई। मेरे को लगता है ना रियोलू को, हाँ मेरे को जहाँ तक मेरे को पता है रियोलू के साथ अगर हम अपनी बॉन्डिंग अच्छी करेंगे तो इवॉल्व होगा। जस्ट भाई जस्ट बचा, ये भी आ ही गया था, लगभग आ गया था। रिवर्सल अटैक से मेरे को कुछ डैमेज होने वाला नहीं है, मतलब मेरे ग्रीन निंजा को कुछ हुआ भी नहीं है, उतना कुछ हुआ भी नहीं है। ओके एक और बार ट्राई करेंगे एक पोकेबॉल फेंक के, पोकेबॉल मतलब फ्रेंड बॉल। बहुत सारे टाइप के मतलब फ्रेंड मतलब पोकेबॉल्स है इस गेम के अंदर, जैसे कि पोकेबॉल, अल्ट्रा बॉल, फ्रेंड बॉल। भाई नहीं आ रहे पकड़ में, अब मैं क्या करूँ भाई, एक अटैक मारूंगा तो जहाँ तक मेरे को लगता है ना फेंट हो जाएगा। तो मैं फास्ट फॉरवर्ड में इसके ऊपर पोकेबॉल फेंकता हूँ फटाफट, देखते हैं। अच्छा नहीं आ रहे भाई, भाव खाने लगा ये भी। अब मैं ट्राई करता हूँ कोई नन्ना मुन्ना अटैक मार के देख ही लेते हैं। बबल से मारूंगा तो ये फेंट होने के चांसेस है, अब मेरे को डर लग रहा है भाई कहीं फेंट हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा। मास्टर बॉल तो भाई बिल्कुल नहीं फेंकने वाला हूँ, पोकेबॉल ट्राई करता हूँ। इस बार आ गया तो आ गया वरना फिर ट्राई करते रहेंगे। अच्छा अरे नहीं आ रहे भाई, अरे भाई ये मेरे को ही फेंट करने पर तुला हुआ है क्या भाई, मैं तेरे को पकड़ना चाहता हूँ तो मेरे को फेंट करना चाहता है भाई, क्या बात है भाई। अरे भाई इसने तो सच में मेरी वाट लगा दी भाई। वैसे रियोलू फाइटिंग और स्टील टाइप पोकेमोन है शायद से। अब मैं इसके ऊपर कौन सा टैकल अटैक होगा ना तो वो करता हूँ, टैकल अटैक बहुत कम डैमेज देता है। ये लो भाई टैकल अटैक भी नहीं है। अरे यार बड़ी संकट में फंस गया यार मैं तो, बहुत मतलब प्रीमियर बॉल भी बहुत सारे, चार एक ट्राई कर लेते हैं। ओ भाई फालतू गिरी हो रही है यहाँ पे बस और कुछ नहीं। ओ भाई कितना भाव खाएगा। अच्छा ग्रेट बॉल फेंक हो गया, तीन है वैसे भी, एक फेंक के देख ही लेते। अरे यार ये तो अब मेरे मतलब अब तो भाई एक अटैक मार ही दूंगा इसको मैं, अब क्या करूँ, एक अटैक मारना ही पड़ेगा। कौन सा अटैक, एक मिनट मेरे पास दूसरे कोई पोकेमोन होंगे जिनके मैं मूव्स देखता हूँ, किसी के पास टैकल होगा ना तो वो ट्राई करता हूँ मैं। क्रंच इसके पास राउंड है, कट अटैक नॉर्मल टाइप अटैक है कट, टैकल की पावर बहुत कम रहती है इसके लिए मैंने सोचा टैकल ही मारेंगे। नहीं भाई किसी के पास भी टैकल नहीं है, तो एक मैं काम करता हूँ मेरे कटर को बुलाता हूँ और उससे कट अटैक करवाता हूँ। कट अटैक की पावर थोड़ी कम है इसके लिए मेरे को लगता है कि ये फेंट तो नहीं होगा भाई, रियली फेंट तो नहीं होगा एक कट अटैक से। और वो नॉर्मल टाइप अटैक भी है और नॉर्मल और फाइटिंग टाइप पोकेमोन नॉर्मल टाइप के ऊपर सुपर इफेक्टिव रहती है। सो अभी मेरे पास एक अच्छी मतलब टेक्निक मैंने लगाई, मतलब थोड़ा दिमाग लगाया, और अगर ये दिमाग सही हुआ तो फिर भाई मैं इसको पकड़ लूँगा आज, वरना फिर इसको फेंट करना ही पड़ेगा। वैसे मैं गेम को सेव करना भूल गया, वैसे अभी भी मैं कर सकता हूँ। नहीं फेंट नहीं। हाँ यार यही तो चाहिए था भाई अपन को, देखो भाई इसको बोलते दिमाग, जो कि भगवान ने सबको दिया बट यूज़ करने के ऊपर है। कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ हो गई मेरी, बट हाँ फिर भी मैं तारीफ़ के लायक तो हूँ यार, इतना अच्छा दिमाग लगाया भाई। अब कहाँ गया फ्रेंड बॉल, कहाँ गया, फालतू में मैंने इतने सारे पोकेबॉल फ्रेंड बॉल वेस्ट किए, प्रीमियर बॉल भी वेस्ट किया, ग्रेट बॉल भी वेस्ट किया। अरे भाई रिवोलू क्या कर रहा है यार, आ जा यार, क्या भाव खा रहा है यार तू भी, मेरी टीम में तेरे को बहुत मज़ा आएगा, तेरे को रोज़ पोकेमोन का फूड खिलाऊंगा, खाना खिलाऊंगा रोज़, आ जा भाई आ जा, खुला इनविटेशन दे रहा हूँ भाई फिर भी नहीं आ रहा है, इसको जादू की झप्पी देंगे फिर आ जाएगा भाई। जस्ट अ जोक, लिटिल वाला जोक। हाँ भाई अरे भाई इस बार आ जाना। अरे यार क्या यार, लेट गाइस फास्ट फॉरवर्ड में ट्राई करते हो ना, ऐसे बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा और मैं नहीं चाहता कि इतना टाइम वेस्ट हो। जस्ट आने वाला था भाई, 10 फ्रेंड बॉल फ्री में मिले थे, सबके सब रियोलू के ऊपर यूज़ करेंगे। फाइनली गाइस आ चुका है रियोलू मेरे टीम में। ओ भाई इतना टाइम बाद आया है। अब मैं रियोलू को एक निकनेम मैंने सोच लिया है, अभी जस्ट मैंने पकड़ते सोच लिया है, क्योंकि रियोलू एक फाइटर नहीं पोकेमोन है, इसके लिए मैं उसको नाम देने वाला फाइटर। वेयर इज़ द एफ ब्रो, ये रहा एफ, अरे ऊपर है ऊपर। वैसे मैं कैपिटल लेटर ही यूज़ करना पसंद करता हूँ तो स्मॉल लेटर की बात ही छोड़ दूँ। जी एच टी किधर गया भाई, ये रहा, अरे एम नहीं टी चाहिए मेरे को,
ERRR ये रहा, FIGHTER फाइटर। आपको निकनेम कैसा लगा आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। वैसे मेरे को तो अच्छा लगा, और काफ़ी लोग ने बोला था भाई रियोलू को पकड़ लो, साइनी रियोलू को पकड़ लो और उसको अपने टीम में रखो और कटर को हटा दो। बट अभी गाइस यहाँ पे एक दिक्कत है, अगर मैं कटर को हटा दूंगा ना तो फिर मैं जाना है अभी सेरुलिन सिटी के अंदर। वैसे चलते हैं सेरुलिन सिटी के अंदर फास्ट फॉरवर्ड में, मैं आपको बता देता हूँ क्या दिक्कत है। अगर गाइस मैंने कटर को हटा दिया तो फिर मेरे को एक पोकेमन को कट अटैक सिखाना पड़ेगा, और भाई तो उसके लिए एक अच्छे अटैक को डिलीट कराना पड़ेगा। तो ये मेरे को मतलब बहुत ज़्यादा अजीब लगता है भाई, एक मतलब सड़ेले अटैक के लिए अच्छा अटैक डिलीट करो ना तो मेरे को बहुत अजीब लगता है और गुस्सा भी आता है। सो इसके लिए भी मैं रियोलू को अपनी टीम में नहीं रखूँगा, बट हाँ जब हम अपने नेक्स्ट टाउन के अंदर पहुँच जाएंगे तब मैं उसको रखूँगा, क्योंकि रॉक टनल में जाने के लिए हमें कट अटैक यूज़ करना पड़ेगा। सो ये सब रीज़न है गाइस, तो अभी रियोलू को अपने टीम में नहीं रखेंगे, बट हाँ बाद में रखेंगे, इन फ्यूचर हम उसको पक्का रखेंगे। फ्यूचर मतलब एक दो एपिसोड के बाद क्या, अगले एपिसोड में पक्का रखेंगे। ओके ब्रो, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं लगभग सेरुलिन सिटी के अंदर, लगभग क्या ही गए भाई। और यहाँ से हमें जाना है बाइसाइकिल की शॉप में, मेरे को पता है बाइसाइकिल शॉप कहाँ है। मैंने अपने पोकेमोन को हील भी नहीं कराया, ये गलती कर दी मैंने। और मैं आ चुका हूँ बाइसाइकिल शॉप के अंदर और इस मैनेजर से बात करते हैं। ओ डैट्स अ बाइक वॉचर, ओके हियर यू गो। हमने एक्सचेंज कर दिया बाइक वॉचर को एक बाइसाइकिल के लिए, तो ये हमें थैंक यू बोल रहा और बोल रहा है दोबारा जरूर आना भाई, इतने महंगे साइकिल देते हैं, मेरी इतनी औकात ही नहीं अभी कि मैं खरीद पाऊँ। वेल मैं गेम की बात कर रहा हूँ, और रियलिटी में भी होता तो भाई मैं तो बिल्कुल भी नहीं खरीदता भाई। 1,000,000 की एक बाइसाइकिल है, कौन खरीदेगा, कोई पागल ही होगा जो खरीदेगा, पागल नहीं कोई करोड़पति होगा जो खरीदेगा भाई। मैं तो करोड़पति नहीं हूँ, और मेरे को नहीं लगता यहाँ पे मतलब अपन सभी लोग में से कोई करोड़पति होगा, और गलती से कोई होगा भी तो मेरे को नहीं लगता कोई 1,000,000 की साइकिल खरीदेगा गलती से, मतलब अगर बाय मिस्टेकली कोई है तो मेरे को नहीं लगता कोई 1,000,000 की साइकिल खरीदेगा। वैसे गाइस मेरे को मिल चुका है बाइसाइकिल, देख लेते भाई बाइसाइकिल, साइनी बाइसाइकिल, मतलब कैसा सड़ीला बाइसाइकिल जो नहीं दिया ना इसने, अच्छा दिया है ना। कहाँ गया भैया बाइसाइकिल, मेरा बाइसाइकिल ये रहा भाई, इसको मैं रजिस्टर कर लेता हूँ, जिसको मैं सिलेक्ट बटन से एक्टिवेट कर पाऊँगा। ये देखो अभी इस बटन को सिलेक्ट ही बोलते हैं ना, साथ में कन्फ्यूज़ भाई, दोनों बटन में भी कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ कभी कभी। काफ़ी अच्छी बाइसाइकिल लग रही है भाई ये, चलो भाई बहुत बढ़िया भाई, फ्री में मिला है बाइसाइकिल, 1,000,000 रुपये देने से बच गए हम लोग। और अब हमें चलना है, मैंने एक मिनट भाई पोकेमोन को हील कराया क्या मैंने, करा लिया भाई, ये अच्छी बात है। और घर के अंदर हम बाइसाइकिल नहीं चला सकते, ये भी एक दिक्कत वाली बात है। ओहो अब हमें चलना है कहाँ पे, रॉक टनल के पास, और उसका रास्ता यहाँ से है। सो अभी मैं इस पेड़ को काट देता हूँ और चलते हैं आगे। ब्रैंडन वो हमें शिप के अंदर मिला था। ओ इट्स यू मम, व्हाट इज़ योर नेम, आ यस इट्स पीजेट इज़न्ट इट, यस न्यू इट, आई एम वेटिंग फॉर ब्रैंडन हियर बिकॉज दिस रोड इज़ द ओनली वे टू गो टू द अदर सिटी बिकॉज वी हैव सम इन्फॉर्मेशन अबाउट टीम एक्वाइंट मैग्मा, दे आर इन सेलेडॉन सिटी, सो लेट्स बैटल, वी हैव टू बी स्ट्रॉन्ग टू फाइट टीम एक्वा एंड मैग्मा लीडर्स। अरे भाई हमें मे से बैटल करना है यार, बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया, भाई मे से बैटल करना है, करते फटाफट बैटल करेंगे। इसके पास एक ब्लेज गेन है जिसके लिए वॉर्डेड ही पोकेमन मेरे को चाहिए भाई। ओ भाई ब्लू निंजा ही पहले नंबर पर, बहुत बढ़िया। और डायनामिक्स एनर्जी इधर हो आ चुकी है जिससे मैं अपने पोकेमोन को डायनामिक्स कर पाऊँगा, तो अभी मैं पहले वाटर पल्स ट्राई करता हूँ। रिएक्टिंग टू मेस मेगा रिंग, अरे भाई मेगा ब्लेजिगेन, ओ भाई 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 क्या बात है भाई, एक नंबर, हाँ एक नंबर मेगा ब्लेजिगेन, बहुत बढ़िया भाई मेगा ब्लेजिगेन एक नंबर है भाई, मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसका अटैक देख रहे हो भाई, एडवांटेज मेरे पास है फिर भी इसका अटैक सुपर इफेक्टिव है मेरे ऊपर, और काफ़ी ज़्यादा डैमेज भी दिए, और मेरे डैक सुपर इफेक्टिव है। बट देख रहे हो ना अब सही टाइम है डायनामिक्स करने का, अगर मिले तो मौका तो मैं डायनामिक्स कर लेता हूँ। अरे यार गलती हो गई सच में, चलो उसने भी पोशन यूज़ किया, तभी सुपर पोशन यूज़ किया उसने, तभी भी मेरे पास चांस है कि मैं डायनामिक्स करूँ। बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया, फेंट हो जा, नहीं हुआ स्पीड बूस्ट। ओ भाई डायनामिक्स ब्लेसिंग इन वर्सेस, नहीं सॉरी कन्फ्यूज़ ये क्या है, डायनामिक्स की एनर्जी गई क्या, चली गई लगता है, चलो कोई बात नहीं मैं ट्राई करता हूँ जी मूव। सो गाइस आपको मेगा ब्लेजिगेन वर्सेस डायनामिक्स ग्रेंजर मेरा दिखाने का मूड था, बट डायनामिक्स की पावर चली गई तो अब मैं क्या करूँ भाई, चलो कोई बात नहीं। मेगा ब्लेजिगेन भाई बहुत ज़्यादा कमाल किया, उसने मेरे ग्रेंजर को हरा दिया भाई, मैं पगला गया यार, मेरे को पहले ही ट्राई कर लेना चाहिए था जी मूव, जिससे मैं ग्रेंजर को एक ही अटैक में हरा देता, गलती हो गई मेरे से बहुत बड़ी वाली।
गाइस 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 बहुत बढ़िया भाई, मेगा चार्जर्ड एक्स वर्सेस मेगा ब्लीच गेन भाई, इसी दिन का इंतजार था मेरे को। पहले तो मेगा इवॉल्व करेंगे, फिर मारेंगे फ्लेम बर्स्ट, नहीं ड्रैगन रेज मारेंगे, वो भी फायर टाइप पोकेमोन है। ओके भाई ये हो चुका है कमाल धमाल, यहाँ पे एक नंबर वाला एपिसोड होने वाला है अपना, ये वाला मेगा ब्लीच गेन वर्सेस मेगा चार्जर्ड एक्स, ये बैटल के लिए सब लोग एक्साइटेड रहते भाई। कहाँ से बैटल मेरे को एनिमी के अंदर भी देखने को मिलती, एकदम खतरनाक मजा आता भाई, बहुत बढ़िया भाई। अब दिखती कौन जीतेगा, मेगा चार्जर्ड एक्स ने हरा दिया मेगा ब्लीच गेन को, ब्रो क्या बात है भाई, मज़ा आ गया यहाँ पे। अब मेरा मेगा चार्जर्ड एक्स एकदम फॉर्म में चल रहे भाई, वो किसको भी हराने की ताकत रखते हैं, विविलियन कोई भी होनी तो भाई मेरा मेगा चार्जर्ड एक्स हरा देगा उसको। अरे इसके ऊपर तो फायर टाइप अटैक करूँगा ना, ये फेंट हो जाएगा, फ्लेम बस मारते इसको। मेरे को लगता है बग टाइप पोकेमोन है, फ्लाइंग टाइप तो देखने से पता चल रहा है बग टाइप था ये, इसके लिए सुपर इफेक्टिव अटैक साबित हुआ ये। ओ भाई मेगा चार्जर्ड एक्स की पावर देख रहे हो, क्या एक नंबर है भाई। ग्लेशियन आ जाओ तुम्हारा भी स्वागत है, आओ जल्दी आओ, फायर टाइप अटैक से ग्लेशियन भी हार जाएगी। ओहो भाई गई ग्लेशियन भी, नहीं टाइम टू डायनामिक्स। ओ भाई मेगा चार्जर्ड एक्स वर्सेस मेगा ब्लीच गेन, उसको हमने हरा दिया, तो आई मेगा नहीं डायनामिक्स ग्लेशियन, खतरनाक भाई खतरनाक बैटल हो रहा है मेरे के साथ भाई, एक नंबर, एकदम नेक्स्ट लेवल का बैटल था ये वाला। और डायनामिक्स ग्लेशियन को हराना इतना आसान नहीं है, बट हाँ एक अटैक और लगेगा तो ये फेंट लगभग होने वाली रहेगी। ओहो डायनामिक्स इसने अटैक किया, हेल स्टॉर्म भाई क्या देख रहे हो, एक नंबर भाई क्रिटिकल हिट, ये मेरे को लगता है ना ये आइस टाइप मूव था, इसके लिए मेरा ओ भाई 40 ड्रैगन टाइप पोकेमोन बन जाता है ना मेगा इवॉल्व होने के बाद, ये डिसएडवांटेज मैंने ध्यान ही नहीं दिया भाई, मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था कि मैंने ध्यान ही नहीं दिया। अब मेरे पास ऑप्शन है कि मैं ट्राई करूँ यहाँ पे अपने लाइट को, जो कि इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन है, जहाँ तक मेरे को लगता है वो फेंट कर देगा उसको, अगर थंडर अटैक सुपर इफेक्टिव हुआ तो फेंट कर देगा, मेरे को लगता है कि हो जाएगा, थंडर अटैक से बात बन जाएगी, मतलब इलेक्ट्रिक टाइप मूव से जिसको डायनामिक्स। अब मज़ा आएगा, इट्स टाइम टू डायनामिक्स ब्रो, डायनामिक्स ग्लेशियन वर्सेस डायनामिक्स लक्सरे, एक नंबर भाई, मज़ा ही मज़ा भाई, आज के दिन तो मज़ा ही भाई, आज के दिन हमने एकदम कमाल धमाल, एकदम मतलब एक नंबर वाला कमाल धमाल हुआ है भाई, सब कुछ एकदम अच्छा हुआ है अपने साथ आज। और देख रहे हो भाई अटैक देख रहे हो भाई, क्या भाई ग्राफिक्स देखो यार, कितनी बढ़िया ग्राफिक्स है। और भाई मैक्स लाइटनिंग, भाई बहुत बढ़िया भाई। अब ग्लेशियन का जो डायनामिक्स टूटने वाले मेरे ख्याल से, उसने तीन अटैक कर लिए, और हाँ गाइस जो डायनामिक्स रहते हैं वो तीन ही अटैक तक रहते हैं, सो ग्लेशियन का अभी भी टूटा नहीं है, मतलब अब एक अटैक और मारेगी तो उसका टूट जाएगा, और मेरे पास एक अटैक और बचा और ये फेंट हो जाएगी अभी, सो अभी एक अटैक मैं और कर सकता हूँ डायनामिक्स से। और अभी मेरे के पास एक ही पोकेमोन बचा है, जहाँ तक मेरे को लगता है एक ही पोकेमोन बचा है भाई, उसको भी हरा देंगे भाई, अपना लाइट ही हरा देगा उसको तो डायनामिक्स फॉर्म में अभी ये। ओ भाई हेल से इसको थोड़ा विनोसॉर आ रहा है, एक मिनट, विनोसॉर के लिए मेरे पास एक अच्छा पोकेमोन है जो कि फ्लाइंग टाइप भी है, वैसे कटर के पास विंग अटैक है तो वो ज़्यादा डैमेज देगा, विंग अटैक एक फ्लाइंग टाइप अटैक है जो कि बहुत ज़्यादा डैमेज देता है ग्रास टाइप पोकेमोन्स को, सो अभी विनोसॉर को भी हराना ज़्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है, मेरे को 40 को बैकअप के लिए बचा के रखना चाहिए था, बट हाँ इस 40 का जो बैटल था ना बहुत बढ़िया था भाई, मेगा ब्लेजिगन वर्सेस मेगा 40 एक्स, देखो भाई विनोसॉर को हमने एक ही अटैक में हरा दिया है, देखो भाई एडवांटेज का पूरा फ़ायदा उठाया मैंने यहाँ पे, और बहुत ज़्यादा मज़ा आया, और मेरे को मैंने दूसरी बार हराया है भाई, वेल डन, यू गॉट स्ट्रॉगर देन अवर लास्ट बैटल, आई एम गोइंग टू हील माई पोकेमोन एंड वेट फॉर ब्रेंडन इन द पोकेमोन सेंटर, सी यू लेटर। सो मैं जा रही है अभी यहाँ से आगे, और वो ब्रेंडन के लिए वेट करेगी, और यहाँ पे एक बैटल शायद से इस लड़की से मेरे को करना पड़ेगा, और जहाँ तक मुझे लगता है मैंने अपने पोकेमोन्स को हील नहीं कराया, तो हीलिंग करा लेते, पहले हीलिंग कराना चाहिए भाई, सबसे पहले हीलिंग कराओ, और गाइस हीलिंग करा के चलते हैं आगे, देखते हैं क्या होता है अभी भाई, जल्दी हील कराता हूँ मैं यहाँ पे, ज़्यादा दिक्कत नहीं लेना है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम, फटाफट चलते हैं वापस उसी जगह पे जहाँ पे हमने मे को हराया, और आगे चलेंगे वहाँ से अभी, और भाई देखेंगे आगे हमें जाना है क्या, रॉक टनल के अंदर जाना है, रॉक टनल यहाँ पे वापस इस पेड़ को काटो, गिरा दो इसको काट के, वैसे रियल में कभी पेड़ मत काटना। ये देखो भाई यू हैव पोकेमोन विद यू, यू आर माइन, मैं इसका हूँ, नहीं गलत बात, मैगेनियम एंड जंप लफ, ये दो पोकेमोन एक साथ भेज रही है, और दोनों भी मेरे जो पोकेमोन है ना डिसएडवांटेज वाले वो पहले नंबर पे आ गए, वैसे मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, एक मिनट गाइस, हाँ मैं यहाँ पे जी मूव ट्राई कर सकता हूँ जंप लफ के ऊपर, और ड्रैगन क्लॉ कर सकता हूँ मैं मैगेनियम के ऊपर, वैसे मैगेनियम एक अच्छी पोकेमोन यार,
बहुत बढ़िया भाई। वैसे ये मैगनियम इवॉल्व फॉर्म है क्या चिकोरिटा की, या फिर ये छोटी वाली रूपी है? मेरे ख्याल से मैगनियम यार इवॉल्व फॉर्म है क्या, कन्फ्यूज यार, मैं थोड़ा कन्फ्यूज हो गया। राउंड स्मैकडाउन ट्राई करता हूँ मैगनियम के ऊपर। मेरे को लगता है ना मैगनियम का और एक एवोल्यूशन है भाई, जहाँ तक मेरे को लगता है मैगनियम का चिकोरिटा मैगनियम बनती है, फिर मैगनियम क्या बनती है यार? वेल मैं भूल गया यार, लगभग मैं भूल ही चुका हूँ। क्या गाइस मैगनियम चिकोरिटा की फाइनल एवोल्यूशन है या फिर उसका एक और एवोल्यूशन है, कमेंट करके मेरे को बताओ यार, मैं भूल गया थोड़ा सा, अभी देखना पड़ेगा। सच में भूल गया यार, पता ही नहीं चला कब भूल गया। वैसे मेरे को ये सब चीज़ें याद थी भाई, याद थी मेरे को ये सब चीज़ें, मैं भूल गया यार। ओ मेरा ब्लू निंजा फेंट हो गया। अब ग्रास, ओ भाई आ जा भाई आ जा, अभी देखना अभी मज़ा आएगा। आप करेंगे फ्लेम बर्स्ट जंप लव के ऊपर, और करेंगे ड्रैगन क्लॉ मैगनियम के ऊपर, और हमारा चारिज़ार्ड हो चुका है मेगा इवॉल्व, मेगा चारिज़ार्ड एक्स। अब मेगा चारिज़ार्ड एक्स चाहे तो अकेले ही दोनों को हरा देगा, नहीं एक को नहीं हरा पा रहा भाई, दोनों को क्या हराएगा, ज़्यादा ही बोल दिया मैंने। चलो जंप लव गई, दो पोकेमोन गए और मेरा एक पोकेमोन गया भाई। ओ लीफ यॉन काफ़ी आई भाई, बहुत सही बहुत सही, खुला एडवांटेज है मेरे पास। इस बार विंग अटैक ट्राई करूँगा, ये विमी स्कॉट, और करेंगे ड्रैगन क्रंच अटैक करेंगे लीफियन के ऊपर। ये क्या क्या भाई, ये क्या सनी डे और सैंड स्टॉम, हाँ सैंड स्टॉम। विसिम कॉट जस्ट बची है, विसिम स्कॉट जो भी उसका नाम हो जस्ट बची है वो, और इस बार करेंगे फ्लेम बर्स्ट लीफियन के ऊपर, और क्रंच अटैक करेंगे उसके बाजू वाले के ऊपर, मतलब उसके पड़ोसी के ऊपर। और लीफियन की फुल हेल्थ हो चुकी है, वो फेंट हो चुकी है भाई, मेरे मेगा चार्जर एक्स का एक ही अटैक काफ़ी था उसके लिए। और फाइनली मैंने इसकी इस मतलब स्कैरी फेस तो कभी नहीं सिखाऊंगा भाई, रियल में सिखा दूंगा, बट हाँ गेम के अंदर तो बहुत मुश्किल है ये अटैक सिखाना। और अगर यहाँ पे मैं एक आइटम लेने जाऊंगा तो मेरे को एक बैटल करना पड़ेगा। वैसे मैं आइटम को उठा लेता हूँ पहले, फिर देखेंगे आगे क्या होता है। एरी लेस मिला मेरे को, रुको इसको चकमा देने की कोशिश करूँगा मैं, स्लो मोशन में चकमा दे सकते, फास्ट फॉरवर्ड में बहुत मुश्किल है। अरे भाई पकड़ लिया इसने, फटाफट इसको हराते हैं, इसके पास दो ही पोकेमोन है। अरे यार कहाँ है मेरा ग्रास टाइप, वाटर टाइप तो फेंट हो चुका है, ग्रास टाइप ही बुलाएंगे और क्या करेंगे। सैंड स्टॉर्म नहीं 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 भाई नहीं, इसको एक मारते हैं रेजर लीफ, और इसको विड्रॉ कर लिया स्टीलिक्स। ओ भाई क्या यार दिमाग है इसके पास भी, आ जा भाई आ जा, कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं, मेगा स्टीलिक्स मेगा चार चार एक्स। ओ भाई 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 देख रहे हो यार, गजब भाई गजब। अरे यार क्या बात है भाई, इतने क्यों स्विच कर रहे हो पोकेमोन तुम, अब आएगा ना मज़ा, अब आएगा मज़ा भाई, आ जाओ भाई स्टीलिक्स स्टीलिक्स आ जाओ, मेगा स्टीलिक्स ही है अभी भी। फ्लेम बस से ये फेंट हो गया भाई, देखो भाई मैंने चारिज़ार्ड हरा दिया भाई मेगा स्टीलिक्स को, मेगा इवॉल्व करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ उसको। वैसे यहाँ पे भी एक वॉर्म होल है, बट यहाँ पे कुछ है नहीं भाई। और यहाँ पे ये क्या है भाई, एक मिनट, मेरे को लगता है यहाँ पे भी कोई डायनामिक्स पोकेमोन मिलेगा मेरे को, पिछली बार ऐसा ही कुछ तो हुआ था। ओ भाई पिकाचू, ये तो ऐस का पिकाचू लग रहा है भाई मेरे को, जहाँ तक मेरे को लग रहा है ऐस का पिकाचू, इसको तो पकड़ना पड़ेगा भाई, इसको नहीं पकड़ेंगे फिर तो भाई अपना पूरा मतलब डायनामैक्स भी हो सकता है ये तो। ओ माय गॉड यार ऐस का पिकाचू ब्रो, यार क्या बात है भाई, कमाल धमाल एकदम मज़ेदार एपिसोड है ये, बहुत इंटरेस्टिंग हुआ है भाई, बहुत ज़्यादा। क्रंच अटैक करेंगे, अगर डायनामैक्स हो चुका है तो उसको क्रंच अटैक से बहुत कम डैमेज होगा, और जहाँ तक मेरे को लगता है इसको मैं पकड़ लूँगा। काफ़ी बढ़िया बात भाई, बहुत बढ़िया। वैसे मेरे टीम में एक इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन पहले से ही है, और पिकाचू के ऊपर क्रंच अटैक करेंगे, फेंट नहीं होगा ये, फेंट तो नहीं हो रहा है, इसका डायनामिक्स बस टूटने वाला है। क्या अटैक किया भाई, थंडर अटैक, मैक्स लाइटनिंग किया, मैक्स लाइटिंग। अब इसका जो डायनामिक्स है टूट जाएगा, अब टूट गया इसका डायनामिक्स, टूटा क्या, नहीं टूटा, अभी भी नहीं टूटा। अब मेरे को लगता है ना एक मैं पोकेबॉल फेंक के ट्राई करता हूँ ना, कहीं फेंट हो गया ना तो दिक्कत हो जाएगी भाई। एस का पिकाचू है भाई, एस की टोपी भी पहना है इसने। ओ भाई मैंने पकड़ लिया पिकाचू को, ओ भाई भाई पिकाचू के लिए एक अच्छा नाम भी मेरे को याद है, जिसका मैं नाम दूंगा स्पाकी, ज़्यादातर लोग स्पाकी देते, और रिची की पिकाचू का भी नाम शायद से स्पाकी था, तो मैं भी वही दूंगा। ये स्मॉल लेटर अपने आप क्यों आ जाता भाई, ए आर के वाई किधर, आर के वाई ना, स्पार्की स्पार्की भाई सही है ना नाम, सही है। चलो भाई हमें मिला एस का पिकाचू,
जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है भाई। पावर के मामले में भाई ऐश का पिकाचू को कोई टक्कर दे सकता है, बट हराने के मामले में वैसे ये रास्ता मेरे को नहीं लगता सही है, क्योंकि आगे एक ट्रेनर बैटल होने वाला है और देखते हैं यहाँ पे और भी रास्ते हैं। अरे यार इसको कैसे चकमा देंगे, उस साइड देखो। अरे यार ये लोग तो चलाक यार, होस्टेड वॉकिंग देयर विद दोस गुड लुकिंग पोकेमोन, ये लोग तो चलाक लोग यार, जैसे मैं जाता हूँ वैसे ही आगे पकड़ लेते भाई मेरे को। ड्रैगो भाई तू तो जल्दी हरा नहीं पाएगा ये लोग को, मेरे को पता है बन हो चुका भाई ये तो, लीक अटैक गया भाई, फालतू में बैटल करते यार ये लोग मेरे को। लेवल का हमें कोई है नहीं भाई, लेवल अब लेवल से कोई मैटर होने वाला नहीं है यहाँ पे। अब मैं क्या करूँ, मेरे इसने सेमी फॉर ने मेरे सारे पोकेमोन को लगभग फेंट कर रहा है भाई, जो भी आ रहा है उसको फेंट करते जा रहे हैं। चलो भाई क्रिटिकल हिट लग गया, मतलब और क्या चाहिए फिर तो। लीफ ब्लेड ये तो सिखाना ही पड़ेगा भाई, ये नहीं सिखाएंगे फिर तो गया। फिर लीफ ब्लेड की पावर 90 है, ओ भाई सिंथेसिस तो नहीं डिलीट करेंगे। एक काम करते प्लग को हटा देते हैं, हटा देते भाई प्लग को। एक फ्लाइंग टाइप पोकेमोन पकड़ लेंगे, नहीं भाई एक नया अटैक मिला तो ट्राई करेंगे। ओ भाई टैलोन फ्लेम, गोस्ट टाइप अटैक इसके ऊपर सुपर इफेक्टिव है क्या? नहीं भाई गलत पोकेमोन, गलत डिसीजन था मेरा, वहाँ पे स्विच करना चाहिए था पोकेमोन। और अब करेंगे स्पार्क अटैक, स्पार्क अटैक से टैलोन फ्लेम फेंट होते होते रह गए। फायर टाइप पोकेमोन भी है ना, ये दिक्कत है। और कास्ट मेरे पास वो हो क्या बोलते बन को, जो मतलब एंटीडोट से बात नहीं बनेगी। अब मैं कर भी नहीं सकता हूँ भाई, मेरे बैग में कुछ होगा भी नहीं जिससे मैं बन को मात दे सकूँ। और ये रास्ता भी गलत है, तो भाई जाना किधर से, रास्ता कहाँ से मिलेगा यार? तो अंकल जी रास्ता कहाँ से बताओगे क्या? अरे यहीं से लगता है मेरे को रास्ता होगा। एक काम कर तो गाइस, मैं अपने पोकेमोन को हील करा के तो ना दिक्कत हो जाएगा यार। सो गाइस मैं हील करा के आ चुका हूँ अपने पोकेमोन को, और यहाँ पे एक बैटल करना है मेरे को जो कि बहुत ज़्यादा बेकार है। ओके ब्रो मैं कर लेता हूँ एक बैटल, मैं करूँगा स्मैकडाउन, फटाफट इसको हराते भाई। अरे भाई ये हार भी नहीं मान रहा है। एक भाई फ्लेयर आ जाए भाई, तू ही आ जाए बैटल में, कमाल दिखा भाई अपना, फ्लेम बस मार इसको, हरा यार जल्दी। विविलियन भाई कहाँ से आ जाते हो यार तुम लोग भाई। ओके भाई हमने इसको भी हरा दिया, अब नेक्स्ट कौन है भाई? वैना मौत, इसको तो हरा देंगे भाई, इसको तो हरा ही देंगे पक्की बात, ये तो ये भी गया भाई। नेक्स्ट कौन है? अब भाई कोई बैटल ना हो तो अच्छा है। ओके हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, और जहाँ तक मेरे को लगता है बैटल नहीं करना पड़ेगा मेरे को, निकल लेते हैं यहाँ से चुपके चोरी। ओके गाइस और यहाँ पे एक चीज़ मिला है, अरे यार ओके अरे ये जो भी हैं इनको फटाक से हराता हूँ मैं, और पोकेमोन सेंटर के अंदर चलता हूँ और उसके बाद में वो आइटम है उसको भी लेते हैं। एक काम करते हो इसके ऊपर मैं मारता हूँ ड्रैगन क्लॉ और विंग अटैक मारता हूँ इसको। चलो एक गया भाई, और ये मेस्क्यूरियन इसको भी हरा देंगे कोई बात नहीं। ड्रैगन क्लॉ से ये भी गया भाई, क्रिटिकल हिट लग गया तो और क्या चाहिए। इसी तरह टॉटेम पोकेमोन, ओ ये जीर क्रिस्टल है, ग्रासियम जी, तो ग्रास टाइप मूव को भी हम जी मूव में कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत बढ़िया भाई। और गाइस अब यहाँ पे हील करा लेते हो फटाफट, उसके बाद एपिसोड को यहीं पे एंड अप करते हैं। जहाँ तक मेरे को लगता है ना भाई अपना एपिसोड बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है आज का ये वाला। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे एक और नए एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ गाइस सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर देना, वरना आपको नोटिफिकेशन मिलेगा ही नहीं। सो गाइस बस आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे एक और नए एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए थोड़ा सा वेट करो।